और एक अहम खबर देखिए, नेटो समिट के बीच ब्रिटिश पीएम का यह बड़ा बयान है, पुतिन ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है। ब्रिटिश पीएम का यह बड़ा बयान, पुतिन ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है। पुतिन ने क्रूरता के साथ सभी सीमाएं लांघ दी हैं। अब फैसला नेटो को करना है। बोरिस जॉनसन इसमें खास तौर से बहुत बढ़ चढ़कर स्टेटमेंट दे रहे हैं, रेड लाइन क्रॉस कर दी है और क्रूरता की सभी सीमाएं लांघ दी हैं। रेड लाइन क्रॉस कर दी है और अब फैसला नेटो को करना है, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है विपिन चौबे। रेड लाइन क्रॉस कर दी है और अब फैसला नेटो को लेना है, इसका मतलब क्या दुनिया को 4:45 बजे कोई बड़ा सरप्राइज मिल सकता है? देखिए, सरप्राइज की आशंका बहुत कम है दिनेश, क्योंकि कोई भी फैसला होगा, जैसा मैंने पहले ही बताया, अगर फैसला यूक्रेन में की धरती पर नाटो के सैनिकों को उतारने का फैसला होता है, या फिर नाटो में यूक्रेन को शामिल करने का फैसला होता है, या फिर तीसरा जो बड़ा फैसला और तीसरी जो बड़ी मांग है यूक्रेनियंस की तरफ से और यूक्रेनी राष्ट्रपति की तरफ से, वो यूक्रेन की धरती, यूक्रेन के आसमान को नो फ्लाई जोन घोषित करने का, अगर इन तीनों में से कोई भी फैसला होता है तो मान लीजिए औपचारिक रूप से दुनिया तीसरे विश्व युद्ध में उतर जाएगी। और जैसा कि बोरिस जॉनसन कह रहे हैं कि रेड लाइन रशिया क्रॉस कर गया है, ऐसे में नाटो के पास विकल्प क्या बचता है? पहले ही वो 6000 से ज्यादा अलग अलग प्रतिबंध लगा चुके हैं, तो क्या और भी प्रतिबंध का ऐलान होगा? और जो मांगे जेलेंस्की कर रहे हैं उन मांगों को पूरा करना संभव नहीं है, और अगर संभव होता तो अभी तक ये मांगे पूरी हो चुकी होती। और चौथी बात जो आ रही है, शांति जो सेना है उतारने का, उसको लेकर भी रशिया ने अपना रुख साफ कर दिया है कि अगर यूक्रेन की धरती पर एक भी अमेरिकी या नाटो या शांति सैनिक उतरेगा तो फिर तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी और टारगेट पर ना सिर्फ यूक्रेन बन जाता है। इसके बाद की क्या आज की ये बैठक, खास बैठक, क्या एक तरह का फेस सेविंग एक्ट है नेटो कंट्रीज का? जी द्विवेदी उनसे भी इस पर रिएक्शन लेंगे। द्विवेदी सर हमारे साथ मौजूद है, लेकिन इसी बीच में एक बड़ी खबर आपको दे देते हैं। दरअसल नेटो समिट से पहले सदस्य देशों में मतभेद उभर कर सामने आ रहे हैं। कुछ देशों ने अमेरिका की रणनीति को गलत बताया है, नेटो सीधी जंग नहीं करेगा ये कहना गलत है। कुछ देश ऐसा कह रहे हैं जो अमेरिका की स्ट्रेटजी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, ये भी कहना है कि रूस को अंदाजा लगाने के लिए छोड़ दें कि नेटो क्या करने वाला है। नेटो के प्लान को अमेरिका सार्वजनिक ना करे, यानी कि मतभेद उभर कर सामने आने लगे हैं। नेटो की तैयारी को सार्वजनिक ना करे अमेरिका, ये कहना है कुछ सदस्यों का। जी द्विवेदी सर, अब ये बैठक है, इसमें सबसे सबसे बड़ा फैसला जिस पर नजरें टिकी हैं वो पीस कीपिंग फोर्स को लेकर है, जो पोलैंड जिसके लिए ड्राफ्ट सामने रखने वाला है। आपको क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि रूस ये कह चुका है ये सीधे सीधे एक तरह से यूक्रेन की धरती पर पीस कीपिंग फोर्स अगर भेजी जाती है तो वो नेटो का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा और उसके उसके रेपरकशंस झेलने पड़ेंगे इन कंट्रीज को। क्या लगता है इसे लेकर, क्या फैसला हो सकता है, संभावना क्या समझ में आ रही है सर आपको? देखो, सबसे पहले तो ये बैठक में वो नेटो और अमेरिका एक ही पन्ने पर आना चाहते हैं ताकि उनकी रणनीति में कोई भेदभाव ना हो। अभी आपने बताया कि ये शांति सेना जो है वो पीस कीपिंग फोर्स लाना चाहते हैं। देखो, रशिया की 3 रेड लाइन है। सबसे पहले कोई भी किसी हालत में कोई भी नेटो या अमेरिकन ट्रूप्स यूक्रेन में नहीं आएंगे, उसमें पीस कीपिंग फोर्स शामिल है। अगर वो लाते हैं तो ये रेड लाइन का उल्लंघन है। दूसरा, नो फ्लाई जोन है, वो भी एक रेड लाइन है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस समय नेटो या अमेरिका कोई भी ऐसी हरकत करेगा जिससे जो रेड लाइन है वो पार की जाए। पर दो चीजें अवश्य हो सकती हैं। सबसे पहले है कि अगर रशिया केमिकल हथियारों का इस्तेमाल करता है तो वो इसके विरुद्ध एक कड़ा कदम ले सकते हैं। और दूसरा, वो यूक्रेन एयरफोर्स को एयरक्राफ्ट दे सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन एयरफोर्स के पास एयरक्राफ्ट बहुत कम है, तो वो ऐसी मदद कर सकते हैं। पर साथ ही साथ हमें ध्यान रखना होगा कि इस समय नेटो और अमेरिका का यही प्रस्ताव होगा या यही उनका मुद्दा होगा कि किसी ना किसी तरह रशिया पर और प्रेशर बढ़ाया जाए, लड़ाई को ऐसा मोड़ दिया जाए कि ताकि रशिया समझ जाए कि उसकी जीत नहीं हो सकती है और उसको किसी भी तरह से कोई भी केमिकल हथियार जो है या एटॉमिक हथियार है उसको इस्तेमाल करने से हम आपके पास रोका जा सकता। दोबारा आपसे इस बारे में आगे भी बातचीत करेंगे। तो लगातार रशिया पर प्रेशर बनाने की कोशिश होगी, लेकिन क्या कुछ निकल कर सामने आता है ये मीटिंग के बाद ही 4:45 बजे के लगभग पता चलेगा। वो भी अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। परवाह देश की,
सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।